आज हम लोग लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड गाइस, यहाँ पर 6 क्वेश्चंस दिया गया है। ये 6 क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके पूरा सॉल्व करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और अभी हम लोग ये 6 वाला करेंगे। 6 यहाँ पर क्या है, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2। ये फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। ये जो 6 का 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। और सेकंड क्या है, x by 3 plus y by 2 is equal to 13 by 6, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरह से क्वेश्चन हमें 2 लीनियर इक्वेशन दिया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हम लोग वही करेंगे, स्टेप 1 पे इक्वेशन 2 को ही उठाएंगे। तो चलिए स्टेप 1 ही कर लेते हैं पहले। स्टेप 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 पे क्या है, x by 3 प्लस y by 2 इज इक्वल टू 13 by 6। तो इक्वेशन 2 को पहले सॉल्व करने से पहले हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो चलिए डिनोमिनेटर इक्वल कर देते हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो x 3 LCM 3 into 2 6 है, तो मैं क्या करूंगा, x into 2 by 3 into 2 plus y into 3 y into 3 by 2 into 3 that is equal to 13 by 6। होप गाइस यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं जस्ट सिंपलीफाई ही कर रहा हूं ये इक्वेशन को। और 2x by 6 plus 3y by 6 is equal to 13 by 6 हो गया। अभी दोनों की तरफ पे 6 डिवाइड होकर रहा है, तो मैं उसको निकाल लेता हूं बाहर 1 by 6 करके। 2x plus 3y is equal to 1 by 6 into 13। गाइज ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ये 1 by 6 मल्टीप्लाई होके था, जस्ट मैं उसको बाहर निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप पे देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये 1 by 6 को मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे, ये 1 by 6 को कैंसिल हो जाएगा हम लोगों का, और ये 1 by 6 ये 1 by 6 कैंसिल हो गया, और हमें मिला क्या, 2x plus 3y is equal to 13, और 2x is equal to 13 minus 3y, और x is equal to 13 minus 3y by 2। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। होप गाइज यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत आसान है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत इजी है ये। तो क्या मिला हमें, इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अभी हम लोग स्टेप 2 के तरफ बढ़ेंगे। स्टेप टू पे हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं ना। सब्स्टिट्यूटिंग, क्वेश्चन हमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए बोला है, तो हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन नंबर थ्री इन इक्वेशन नंबर वन। अभी इक्वेशन नंबर 3 पे जो हमें x का वैल्यू मिला उसको लेके हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पे डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों का क्या था, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2 था। ये हम लोगों का इक्वेशन नंबर 1 था। क्या था, 3x by 2 minus 5y by 3 is equal to minus 2। ये पहला इक्वेशन था, जो लीनियर इक्वेशन जो क्वेश्चन हमें दिया था। तो हम लोग अभी इसका भी एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर को पहले ठीक करेंगे। डिनोमिनेटर को अगर सही करेंगे तो ये दोनों को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3x into 3 by 2 into 3 minus 5y into 2 by 3 into 2 is equal to minus 2, और 9x by 6 minus 10y by 6 is equal to minus 2। अभी डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
तो अभी इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 9x माइनस 10y और 9x माइनस 10y डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस 2। और मैं अभी लिख सकता हूं, मैं जस्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं इक्वेशन 1 को, फिर डालेंगे x का वैल्यू। और 9x माइनस 10y और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6। यहाँ पे जो 2 डिवाइड होके है, नीचे है, मैं उसको राइट साइड को जब मूव कर दिया ये मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये स्टेप में हम लोग अभी ये जो x का वैल्यू है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। हमें x का वैल्यू क्या मिला था, थोड़ा ऊपर जाके चेक कर लेंगे। हमें x का वैल्यू मिला था 13 माइनस 3y, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 पे 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2, 9 इंटू 13 माइनस 3y बाई 2, 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। और अभी जब 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ क्या होगा, 9 इंटू 13 ये हो गया 117 माइनस 27y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 10y, माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12, ये हो गया माइनस 12। और इसको मैं जब आगे सॉल्व करूंगा क्या आएगा, यहाँ पे माइनस 10y है, फिर यहाँ पे डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा हमें। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 117 माइनस 27y बाई 2 माइनस 10y इंटू 2 बाई 1 इंटू 2 इज इक्वल टू माइनस 12। और 117 माइनस 27y बाई 2 माइनस 20y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 12। अभी डिनोमिनेटर सब सेम हो गया, अभी इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी क्या होगा, और 117 माइनस 27y माइनस 20y बाई 2 इज इक्वल टू माइनस 12 हो गया। और 117 माइनस 27 माइनस 20 ये हो गया माइनस 47y, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2। मैं ये जो 2 नीचे था उसको राइट साइड को लेके मल्टीप्लाई हो गया 2 के साथ, और माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24 माइनस 117। ये जो 117 था लेफ्ट साइड पे उसको मैं राइट साइड को जब ले आया ये माइनस हो गया, नेगेटिव हो गया। तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, और माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117 माइनस 141, और y इज इक्वल टू माइनस 141 डिवाइडेड बाई माइनस 47, और y इज इक्वल टू 3, और y इज इक्वल टू 3। यहां तक हमें 3 का वैल्यू मिल गया। अभी हम लोग क्या करेंगे स्टेप 3 में, अभी स्टेप 3 को जाएंगे। स्टेप 3 क्या करेंगे, स्टेप 3 एज यूजुअल हम लोगों को स्टेप 3 पता है। हम लोग अभी क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3, इन इक्वेशन नंबर 3 सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। हमें इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाई 2 था। अभी ये y के जगह पे हम लोग 3 डाल देंगे क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पे y का वैल्यू 3 मिल गया। तो मैं लिखूंगा और x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, और x इज इक्वल टू, और x इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 13 माइनस 9, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाई 2, और x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 क्या मिलेगा हमें, 4 9 10 11 12 13, 4 बाई 2, और x इज इक्वल टू 2। तो गाइज इसी तरह से हमें x का वैल्यू भी मिल गया। अभी आखिरी स्टेप, स्टेप नंबर 4 हम लोग लेके कंक्लूड कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज, therefore
the solution is x is equal to 2 and y is equal to 3. होप गाइज ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इजी है. फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं.